विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। संभोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयम् भाति भूतो रसानाम् विक्षेपे वा समाद्रौ विहरण निपुणा ब्रह्म विद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरसोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथि पथि पथिकान् नन्दयन् बम्भ्रमीति। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल तिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। कालिंदी कूल कुंजांतर वल्लवी ब्रज वेष्टितम् नमामि नयनानंदम् नटन्तं नन्दनन्दनम्। श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ॐ श्रीमद्भागवत महापुराण संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार है और महाभारत 17 पुराण सबके निर्माण के अनंतर अपनी चित्त शांति के लिए व्यास भगवान ने इसकी रचना की है। व्यास भगवान साक्षात नारायण के ही अवतार हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनको आगामी कथा का भी ज्ञान होता है। आगे ये कथा सुखदेव परीक्षित को सुनाएंगे, वहां सूत जी सुनकर सौनकादिकों को सुनाएंगे, ये भी उनको ज्ञान है। अपनी गुरु कथा भी, गुरु परंपरा भी नारद जी हमको सुनावेंगे, ये भी उनको ज्ञान है। इसलिए मंगलाचरण पूर्वक भगवत रसास्वादन की दृष्टि से जन्माद्यस्य यतः से लेकर तम नमामि हरिम परम संपूर्ण श्रीमद् भागवत को बोलते हैं। ये उनकी नवीन रचना नहीं है, भाव नित्य होते हैं, शब्द भी नित्य होते हैं। वेदों में इतनी बात है कि अनुपूर्व भी
एक के बाद दूसरी ज्यों की त्यों रहती है और पुराणों में अनुपूर्वी में अंतर पड़ जाता है। शब्द भी नित्य हैं, भाव भी नित्य हैं। जब हम अपने अंतकरण को अंतर्मुख करते हैं तो जैसे रेडियो से अमेरिका का, रूस का बोला हुआ शब्द भी यहां सुना जाता है, वो आकाश में व्याप्त है। इसी प्रकार पहले के बोले हुए शब्द भी आकाश में व्याप्त रहते हैं और उनको ग्रहण करने का सामर्थ्य सर्वज्ञ के अंतकरण में होता है। जहां उसने अपने अंतकरण की सुई उस स्थान पर जोड़ी, पूर्व 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 अनादिकाल से जो श्रीमद् भागवत की परंपरा चली आ रही है, वो ऋषि के अंतकरण में उदय हुई और उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। ये पुराण की रचना नहीं करते हैं, पुराण का स्मरण करते हैं। स्मरण नहीं करते हैं, अंतकरण की एक स्थिति में, जैसे रेडियो की एक स्थिति में अमुक जगह के शब्द का ग्रहण होता है, ऐसी अंतकरण की एक स्थिति में अमुक प्रकार के शब्दों का ग्रहण होता है। बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी, परावाणी, जब मनुष्य की स्थिति पश्यंती वाणी से एक हो जाती है, तब चाहे जिस प्राणी का शब्द, जहां बोला हुआ शब्द, जब बोला हुआ शब्द, जैसा बोला हुआ शब्द, उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकता है और वही ग्रहण प्रकट होता है। अब से 50-100 वर्ष पहले जैसे रेडियो के बारे में असंभावना थी, वैसे ही अपने अज्ञान के कारण लोगों के मन में असंभावना होती और वही श्रीमद् भागवत जो व्यास जी के अंतर्मुख हृदय में प्रकट हुआ था और सनातन है, हमेशा से है, क्योंकि ये कोई भौतिक घटना मात्र नहीं है, आध्यात्मिक घटनाएं, आधिदैविक घटनाएं और आधिभौतिक घटनाएं, तीनों को प्रकट करने की ऐसी शैली है कि ये इतिहास भी बनता है, ये देवता कांड भी बनता है, ये अध्यात्म कांड भी बनता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया वितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरात् अस्य इदन्ताक्रान्तस्य नामरूपात्मकस्य जगतः यतो जन्मादि भवति। ये जो यह के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में, यह के रूप में, इदम के रूप में, यह के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है, उसका जन्म जिससे होता है वह इदम नहीं है, वह यह नहीं है। जिससे इसकी स्थिति होती है उसका जन्म नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है और उसी से जन्म और उसी से स्थिति होती है। जिससे प्रलय होता है उसका प्रलय नहीं है, उसी से प्रलय होता है और वह इदम नहीं है, यह नहीं है। ऐसा जो परमात्मा यस्यामतम तस्य मताम, जिसकी दृष्टि से वो मति का प्रकाशक है, मति का अधिष्ठान है, मति जिसको देख नहीं सकती, मति को जो देखता है और जिसकी अद्वितीय दृष्टि में मति का कोई अस्तित्व नहीं है, यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य नवेदतः, जिसने अपने मति के कर्म के रूप में, विषय के रूप में परमात्मा को जाना, उसने नहीं जाना। तो जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व, ये श्रुति है। जन्माद्य से जत, ये ब्रह्म सूत्र है।
सवितु हो, ये गायत्री है। सबका सार लेकर के बोला गया जन्माद्यस्य जतः। इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें नहीं है, क्योंकि अथ शब्द से वहां अधिकारी अपेक्षित होता है, आनंतर्य अपेक्षित होता है, और इतने गुण होवे ऐसा अधिकारी होवे तब ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करे। कुल नहीं, भागवत के अध्ययन में उतने गुण उतने अधिकारी की जरूरत नहीं है। जो जैसा है, जहां है, जो है, वैसे ही श्रवण करे। तो ये कैसे सिद्ध हुआ कि ये सृष्टि एक से हुई कि अनेक से हुई? एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, ये वेद भगवान की प्रतिज्ञा है। एक ऐसी वस्तु है कि उसको जान लो तो दुनिया की सब चीज जान ली जाती है। जस्मिन श्रुते मते विज्ञाते सर्वम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति, वही सृष्टि का बोध है। ये बात कैसे सिद्ध होती है कि अन्वयात इतरतश्च, अर्थेषु अन्वयात इतरतश्च। जैसे घड़े में मिट्टी अनुगत होती है, घड़ा नहीं था जब मिट्टी थी, घड़ा बना तब उसमें मिट्टी है, घड़ा है तब मिट्टी है, घड़ा फूट जाएगा तब मिट्टी है। सन्निवेश की उपाधि से, सन्निवेश माने उसका बड़ा सा पेट, गोल मटोल, छोटा गला, ये केवल सकल सूरत में फर्क हो जाने से माटी रूप जो तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये सकल सूरत का फर्क हो जाने से ब्रह्म में कोई फर्क, कोई पारक किया, फर्क माने पारक किया, कोई फर्क तो उन्हें नहीं होता। वही जैसे माटी है ज्यों की त्यों, जैसे घट की उपाधि से घटाकाश अलग मालूम पड़ता है, दरअसल आकाश ही है, उसमें कोई परिच्छेद नहीं है, भेद नहीं है, ऐसा है। अन्वय है सब में, अलग है सबसे, और परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से न अन्वय है न लगाव है, अव्यावृत्ता न अनुगतम, न वो किसी से व्यावृत्त है और न किसी में अनुगत है। अच्छा, तो संभव है जड़ ही हो ऐसी वस्तु, उसको काटने के लिए बताया अभिज्ञ है, जानकार है, माने प्रकृति नहीं है, परमाणु नहीं है, अन्वय व्यतिरेक होने से तो परमाणु नहीं है, और अभिज्ञ जानकार होने से प्रकृति नहीं है, चार बातों के चार भूत नहीं है, बौद्धों का शून्य नहीं है, जैनों का कर्म नहीं है, अभिज्ञ है, अभिज्ञ ज्ञान स्वरूप है। बोले भाई, तब कोई जीव ही होवे का नहीं, स्वराख है, स्वप्रकाश है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी होवे का नहीं, ब्रह्मा जी के हृदय में भी अपने संकल्प से जिसने ज्ञान का संचार किया है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान कोई दूसरा दे दे? बोले नहीं नहीं, मुझ्यं तेजत सूर्य, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान जो निरंतर परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे भी वेदार्थ का निरूपण करने में भूल कर जाते हैं। उस परमात्मा के सिवाय पूरी शब्द का बड़ा उत्तम, तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततां। महात्मा लोग सर्वदा परमात्मा का दर्शन करते हैं, रण में, वन में, कण में, मन में, सदा पश्यन्ति, सदा सदा पश्यन्ति माने परमात्मा सदा है, सर्वत्र है, सर्व है, और देखने वाला भी सदा है, सर्वत्र है, सब है। सदा पश्यन्ति सूरया, दर्शन के साथ सदा का संबंध है। वो सूरी है, ऐसे ऐसे सूरी भी जो निरंतर परमात्मा का दर्शन करते हैं, वेदार्थ का निरूपण में मोह को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा मोह को प्राप्त हो जाता है। उस ब्रह्मा को, व्यष्टि अंतकरण जीव को के उपाधि से जीव को, और समष्टि अंतकरण की उपाधि से, ब्रह्मांड अंतकरण की उपाधि से ब्रह्मा को, और समष्टि सूक्ष्म की उपाधि से हिरण्य गर्भ को, जो ज्ञान का दान करता है। तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो
यत्रत्र सर्गो मृषा। जैसे कभी कभी सूर्य की किरण में पानी दिखाई पड़ता है, जैसे कभी पानी कांच मालूम पड़ता है, जैसे कांच माटी मालूम पड़ता है, माटी कांच मालूम पड़ती है, इसी प्रकार ये विश्व सृष्टि एक दूसरे से मिलकर के, अज्ञान कल्पित वस्तु से मिलकर के शुद्ध ज्ञान त्रिगुणात्मक भाग रहा है। भगवान के अखंड स्वरूप में धामना स्वेन अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से उन्होंने माया छाया कपट भ्रम सब दूर कर रखा है। ऐसे सत्यम परम प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न सत्य जो आत्मस्वरूप सत्य परम माने प्रत्यक्ष चैतन्य रूपम साकाष्ठा सापरागति पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सापरागति। अपने आत्मा से अभिन्न उस परम सत्य का आओ हम लोग चिंतन करें, हम लोग चिंतन करते हैं, कर रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है इसमें निष्काम निश्चल निष्कपट धर्म का निरूपण है, देवलेव वाली बात नहीं है कि इतना दान करो तो स्वर्ग मिलेगा, वो बात है। ये साक्षात धर्म है, अपरोक्ष धर्म है, नगद धर्म है, इसमें उधार माल नहीं है, बिल्कुल सच्चा आज नगद कल उधार वाली बात है। आज लो नगद लो, इस धर्म का फल अभी लो, वो परम धर्म है। अत्र परमो धर्म, अत्र परमो धर्म नास्ति त्रपा देशां ते अत्रपा। नंगे रहने वाले महात्मा लोग जिसमें रम जाते हैं ऐसा वैराग्य युक्त धर्म। निर्मत्राणां सकाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदाम। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन सत्पुरुषों के लिए जिज्ञास्य वेद्य वास्तविक वस्तु का वर्णन है इसमें, भावनात्मक कल्पनात्मक, मन वैसा बनाया वैसा दिखने लगा वो नहीं, इसमें ठोस वस्तु का वर्णन है, वास्तवम वस्तु सो भी सच्ची वस्तु का, वास्तव वस्तु वस्तु है, पहले तो वस्तु है भावना नहीं है, और दूसरे जो वस्तु भी है वो भ्रम मूलक नहीं है वास्तविक है। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इससे सारे ताप जो जलन है अंतकरण की आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक नष्ट हो जाती है, उन्मूलित हो जाती है और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ये बताया कि इस श्रीमद् भागवत का जो विषय प्रतिपादन है उसमें निष्काम धर्म है और वास्तविक वस्तु है, उसका फल है तापत्रय का उन्मूलन। इसके रचयिता है महामुनि नारायण, उससे भी श्रेष्ठ है ये, और दुनिया में ऐसा कोई साधन या प्रमाण नहीं है, शास्त्र नहीं है, जो तत्काल अपने हृदय में लाकर परमेश्वर को रख दे। और ये तो तत्काल परमेश्वर को लाकर अपने हृदय में, जैसे जसोदा जी अपने हाथ से अपने घर की रस्सी से पछड़ा बांधने वाली रस्सी से और घर के उखल में भगवान को बांध देती हैं, वैसे ये भागवत मनुष्य के हृदय में भगवान को लाकर अवरुद्ध कर देता, रोक देता, यहीं बैठो यहीं रहो। भागवत से जो भगवदाकार वृत्ति होती है, श्री कृष्णाकार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम, जो मन कृष्णाकार होता है वो कभी अटका नहीं। जब तक तुम्हारे मन में श्री कृष्ण दर्शन की, श्री कृष्ण के वर्णन की, श्री कृष्ण के श्रवण की इच्छा है, तब तक इच्छा के पेट में भगवान बैठकर तुम्हारे हृदय में रहेंगे। इच्छा अकेली नहीं होती हो, जिस चीज की इच्छा होती है वो इच्छा के अंदर रहती है। हम क्या चाहते हैं मालूम है कि नहीं, जिस चीज को चाहते हैं उसकी याद है,
अरे हम तो भूल गए कि हम क्या चाहते हैं। बेवकूफ है, हम क्या चाहते हैं ये भूल गए। अगर चाहते हो तो तुम्हारी चाह के भीतर जो बैठा हुआ है, इच्छा निर्गर्भ नहीं होती, निर्विषय नहीं होती। तो सुश्रुषु भी तत्क्षणात्, जहां श्रवण की इच्छा हुई तत्क्षणात् ईश्वर का अवरोध हुआ। ये वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, सुख मुख के संयोग से अमृत द्रव से युक्त है। आओ आओ आलयम, जब तक बेहोशी ना आ जाए तब तक इसको पियो। ये भागवत रस है, फल भी है रस भी है, रस भी है फल भी है। सामानाधिकरण जो है वो बताता है इसमें छिलका नहीं है, इसमें गुठली नहीं है, और ये धरती पर बिखर जाने वाला नहीं है। ये सामानाधिकरण से फलम रसम रसम फलम, जब तक बेहोशी ना आ जाए तब तक ये रस पियो, जब तक नींद ना आ जाए तब तक ये रस पियो, आलयम, जब तक मर न जाओ तब तक ये रस पियो, आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक ये रस पियो, और जब तक ब्रह्मात्मैक्य न हो जाए, मुक्ति न हो जाए तब तक ये रस पियो, बारंबार पियो। इसी धरती पर ये मिलता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में जो देवताओं का क्षेत्र है, सौन का ऋषि स्वर्गाय लोकाय स्व स्वर्गे लोके गीयते इति स्वर्गाय परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने सहस्र दिन व्यापी सम शब्द का अर्थ या आर्वई संवत्सर 1000 दिन का यज्ञ उन्होंने शुरू किया। तो एक दिन प्रातः काल अग्निहोत्रादि करके सूत जी के पास गए और उनका सत्कार किया और आदर से पूछा। यदि आदर नहीं करोगे तो वक्ता का हृदय संतुष्ट होकर के अपने हृदय में छिपी हुई बात प्रकट नहीं करेगा। ये आदर शब्द है ना, इस पर आप ध्यान दें तो इसमें जो डर है वो डर है, डर से ही डर बना है। हो संस्कृत में डर को डर बोलते हैं और आ माने ईशक, आदर माने थोड़ा डरते डरते सेवा करनी पड़ती है, थोड़ा संकोच से पूछना पड़ता है, कहीं कोई अभिनय न हो जाए। आदरात उन्होंने कहा, प्रभु सूत जी आपने इतिहास पुराण इनका वर्णन किया, धर्मशास्त्रों का भी आपने ठीक ठीक अध्ययन किया है और इतिहास पुराणों का भी, क्योंकि इनके बिना वेदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं है। व्यास जी जो जानते हैं सो आप जानते हैं, आप सगुण भी जानते हैं निर्गुण भी जानते हैं, क्योंकि व्यास जी का सुखदेव जी का आप पर संपूर्ण अनुग्रह है, और सदगुरु जो है वो अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त बात बता देता है। सो आपने सब कुछ सुन पढ़ करके क्या निश्चय किया है? मनुष्य के लिए परम कल्याण एकांतत श्रेय, जिसमें कुछ गड़बड़ न हो, मिश्रण न हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, सच्ची वस्तु प्राप्त हो, वो हमें बता। देखो ये कलयुग का तो समय है, लोगों की आयु बहुत थोड़ी है, लोग आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, राग द्वेष का उपद्रव, दोस्ती दुश्मनी से छुट्टी नहीं मिलती। कोई इस सत्य के बारे में सोचे तो क्या सोचे, उपद्रुता राग द्वेष से कलुषित कलुषीकृत मति है लोगों की। इनको सूझती है तो मोहब्बत, सूझती है तो नफरत, दुश्मनी दोस्ती सूझती है, दुश्मन दोस्त सूझता है, ईश्वर के बारे में सोचने का तो इनको मौका ही नहीं है। नारायण, और कर्म बहुत से हैं, सुनने की बातें बहुत सी हैं, सो बाबा कहां तक सुनेंगे कहां तक समझेंगे, हमको तो सार सार बताओ। यदि श्रद्धालु श्रोता होए तो थोड़े में ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आत्मा संप्रसीदति अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तुम जानते हो कि भगवान का देवकी वसुदेव से अवतार क्यों हुआ था, हम उसको सुनना चाहते हैं। उनका अवतार लोगों के कल्याण के लिए है,
जो इस घोर संसार में आ पड़ा है वो यदि विवशता से भी भगवान के नाम का उच्चारण करे, जैसे लोग में हाय हाय बोलते हैं, उफ उफ बोलना आता है, आय आय बोलना आता है, हाय हाय बोलना आता है, और भगवान का नाम हाय हाय की जगह हरी हरी क्यों नहीं निकलता है? अगर उस समय हरी हरी भी कोई कहे, पांव गंदी गंदी चीज पर नजर पड़ी, खींची मुंह से निकलता है, राम राम क्यों नहीं निकलता है? यदि ऐसे भी कोई भगवान का नाम बोले तो उसका कल्याण हो जाता है, स्वयं भय भयभीत रहता है। जिनके चरणों का आश्रय लेकर के मनुष्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्काल शांत हो जाते हैं, तो बोले हम तो गंगा जी में नहाएंगे, तो नहाओ, जिंदगी भर नहाओगे तब जो चीज मिलेगी, जो चीज भगवान के नामोच्चारण से श्रवण से मिलेगी। सद्य पुनंत पत्पृष्टा स्वर्धन्यापोनु सेवया, गंगा जल की जिंदगी भर सेवा करो तब जो चीज मिलेगी वो पुराण से श्रीमद् भागवत से तत्काल मिल जाएगी। कौन तो नहीं सुनेगा वो भगवान का यश कलिमल। ये लड़ाई झगड़ा लगाने वाली जो गाते हैं ना, उनको कलिमल बोलते हैं, मनुष्य के मन को अशुद्ध करने वाली आके शिकायत करने लगे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वह गलती की, उन्होंने ये बिगाड़ दिया, फिर बोलते उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे कह दिया तो आसमान में उड़ गया, तुमको क्या लगा उसमें, कैसी लगती है महाराज? देखो लोग कहते हैं कि झूठ 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 बोलते हो तो सृष्टि कैसे चलेगी, आपको कोई झूठी गाली दे दे, न माँ से पहचान है, न बेटी से पहचान है, न बहन से पहचान है, कोई झूठी गाली दे दे, झूठी है कि नहीं है? क्योंकि उस आदमी की तो किसी से पहचान नहीं है, किसी से पहचान ही नहीं है, उसने झूठी गाली दी, बिल्कुल झूठी, और वो दिमाग में ऐसी लगती है, ऐसी लगती है, आदमी तिल मिला जाता है, हमेशा के लिए दुश्मनी पाल लेता है, बिल्कुल झूठी है, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। बल्कि तुम्ही से कोई कहे इसकी गाली पर तो तुम इतने नाराज हो रहे हो, जरा तुम प्रमाणित तो कर दो कि गाली सच्ची है, तो उसी के सिर लेने का देना पड़ जाए। लेकिन आदमी का दिमाग है खराब हो गया, बिगड़ गया, तो कोई क्या करे? बाबा भगवान की लीला का वर्णन करो, उनके अवतार की कथा सुनाओ, हमें उससे तृप्ति नहीं है, क्योंकि जो भी उसके रस को समझेगा उसको पद पद पर वो स्वादी रसीली लगेगी। भगवान की लीला से तृप्ति यो नहीं है, खाओगे ना कोई चीज तो पेट भर जाएगा, बार बार खाते खाते उससे मन ऊब जाएगा, ऐसा है ना, वो चीजें ही खत्म हो जाएगी, तीन बात से छोड़ देना पड़ेगा भोजन, वो चीज खत्म हो जाए, जीव का स्वाद जो है उब जाए जीव, और पेट भर जाए, और ये भगवान की जो कथा है ये कभी खत्म होने वाली नहीं, इससे मन कभी उबने वाला नहीं, इससे कान कभी भरने वाला नहीं, आकाशात्मक है, पेट कभी भरने वाला नहीं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, पद पद में नया स्वाद, एक एक कदम पर, पद पद का अर्थ एक एक कदम पर, और शास्त्र में जो एक एक पद है हो, एक एक पद से नए नए रस का अनुभव होगा। कृष्ण और बलराम ने जो लीला की है, और कलयुग आया, हम लोग इस क्षेत्र में आकर के बैठे, ब्रह्मा जी ने आपको बताया कि ये बतावेंगे, अब बताओ एक प्रश्न है, छह प्रश्न है इसमें कुल मिला के, प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने के बाद अब धर्म कहाँ है, धर्म कम शरणंगता, धर्म किसके आश्रय से रहता है? इसका उत्तर है कि धर्म श्रीमद् भागवत के आश्रय से रहता है, छह गुण से युक्त भगवान है, इसलिए श्रीमद् भागवत के इस पहले अध्याय में, प्रश्नाध्याय में छह प्रश्न किए गए हैं, उनका भी हिसाब होता है कितने प्रश्न हो, फिर उसका कैसा उत्तर दिया जाए। अब तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, ये सूत जी कोई साधारण नहीं है, एक सूत जी तो पहले वो थे जो नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुना रहे थे,
बलराम जी के आने पर अपनी गद्दी से उठे नहीं और कुश द्वारा उन्होंने मार दिया। तो ऋषियों ने कहा ब्रह्महत्या लगी। संकर्षण ने प्रायश्चित करने के पहले सूत जी के बेटे को अपना सामर्थ्य देकर व्यास गद्दी पर बैठा दिया। तो श्रीमद् भागवत का संप्रदाय सूत से नहीं चला हुआ है, बल्कि शेषावतार जो बलराम हैं, उन बलराम के द्वारा ये भागवत संप्रदाय चला हुआ है। बलराम जी ही इस रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा के हृदय में बैठकर बोल रहे हैं। श्री कृष्ण के चरित्र का प्रश्न होते ही आनंद में मग्न हो गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज। पहले जब अपनी माता के गर्भ में थे निकलते नहीं थे, ये कथा दूसरे पुराण में है, स्कंद पुराण। व्यास जी ने प्रार्थना की तो बोले हम भगवान का दर्शन करेंगे तब निकलेंगे। तो उन्होंने भगवान को प्रकट किया, बुलाया, सुखदेव जी प्रकट हुए और निकले माँ के पेट से और तुरंत विरक्त होकर के चल पड़े। बेटा बेटा करते हुए व्यास जी जैसा ज्ञानी और व्याकुल होकर के उनके पीछे दौड़ा। परंतु वृक्षों ने कहा हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं, हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे बेटे की शक्ल सूरत में जो परमात्मा व्याप्त है वही तो हम भी हैं, हमको बेटा क्यों नहीं कहते, पुत्रे थी तुम भी हमारे बेटे हो, ऐसे बोले। ऐसे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। महाराज ये बड़ा भारी अनुभव युक्त स्वानुभावम, ये नारायण के स्व असाधारण प्रभाव अनुभाव प्रभाव असाधारण प्रभाव है श्रीमद् भागवत का संपूर्ण श्रुतियों का, माने कर्मात्मक ज्ञानात्मक संपूर्ण श्रुतियों का सार है। और ये हमारे अध्यात्म शरीर के भीतर जो ज्योति है उसको जागृत करने वाला है, अध्यात्म का दीप है, अध्यात्म दीपम आत्मन ये वही थी अध्यात्मम, जो शरीर के भीतर रहता है उसको अध्यात्म बोलते हैं, उस अध्यात्म की रोशनी है ये ज्योति है। अतिथि रखताम तमोंधम, जो अज्ञान अंधकार को पार करना चाहते हैं उन पर करुणा करके श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है, हम उनको नमस्कार करते हैं। सबके हृदय में रहने वाले नारायण को नमस्कार, सब मनुष्यों के रूप में प्रगट नर को नमस्कार, वाणी में रहने वाली देवी सरस्वती को नमस्कार, दत्ता व्यास को नमस्कार। अब करो जय, अंतकरण में काम की जय हो रही है, क्रोध की जय हो रही है, लोभ की जय हो रही है, उनको पराजित करने के लिए अब परमात्मा की जय हो, हमारे अंतकरण में सद्धर्म की जय हो, इसका उद्ग्रहण करना चाहिए। सूत जी ने प्रश्न का अभिनंदन किया, डांटा नहीं, तुम लोग ऐसे प्रश्न करते हो। उत्तर देने वाले को जब गुस्सा आता है तब समझो कि वो प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पा रहा है, तब क्रोध आ गया। ये क्रोध जो है ये उत्तर देने वाले की मूर्खता को ही प्रकट करता है। मूर्छति इति मूर्खा, उसका हृदय मूर्छित है, मूर्छित। बड़ी प्रशंसा की, बहुत बढ़िया बात तुमने पूछी। जिससे लोग देखो, लोक कल्याण की, लोक मंगलम, ये व्यक्तिगत हित की दृष्टि से प्रश्न नहीं है, लोक कल्याण की दृष्टि से प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? भगवत संबंधी, कृष्ण संबंधी। इससे क्या होता है? अंतःकरण निर्मल हो जाता है। परम धर्म वो है हो जिससे हमारी प्रीति दूसरी हो, प्रीति का मुंह मुड़ जाए। अभी हमारी प्रीति धन में है, घर में है, विषय भोग में है, ये हुई प्रीति। प्रीति सबके हृदय में स्वाभाविक रहती है, उसका मुंह बाहर की वस्तुओं की ओर से मुड़कर भगवान में मिल जाए, भगवान की ओर मुड़ जाए, उसको भक्ति कहते हैं। आई तो क्या प्रतिहता, वो कुछ लेने देने के लिए नहीं होनी चाहिए, आई तो की होनी चाहिए और अप्रतिहता लगातार होनी चाहिए।
विच्छिद विच्छिद नहीं, ये आज हुई कल टूट गई, फिर कल हुई आज टूट गई, लगातार होनी चाहिए। जब भगवान में भक्ति जुड़ती है तब हृदय में दो बच्चे होते हैं, वो अंतकरण की वृत्ति जब भगवान से जुड़ती है तो भगवान पुरुष है और वृत्ति स्त्री है, न भक्ति बांझ है, न भगवान नपुंसक है। जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो दो बच्चे पैदा होते हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। धर्म का अनुष्ठान खूब करे आदमी परंतु भगवान की कथा में प्रेम न हो तो वो व्यर्थ है। धर्म क्यों किया जाता है? मोक्ष के लिए, धर्म से उससे कुछ धन कमा लिया और विज्ञापन अखबार में छपा, इन्होंने लाख दिया, करोड़ दिया, अरब दिया, अखबारों में छपा। बोले ये जो जश कमाना है या धन से धन कमाना है, ये धन का फल नहीं है। धन का फल है धन से मुक्ति, और धन जो है अपने पास उसका फल है धर्म, भोग नहीं। भोग से तो कभी तृप्ति नहीं होती, आदमी पराधीन हो जाता है। भोग गुलामी की ओर ले जाता है और धर्म स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, वो तत्वज्ञान नारायण। और मान लो भोग ही करो तो क्या इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हो? नहीं नहीं, वो तो केवल जीवन निर्वाह के लिए होता है। और जीवन निर्वाह किस लिए करते हैं? सच्चाई को समझने के लिए, बहुत काम धंधा करने के लिए नहीं। वो सच्चाई क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं वदन्ति, तत्त्वविद उसको तत्त्व कहते हैं। किसको? यत् अद्वयम् ज्ञानम्, जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान माने जिसमें ज्ञाता अहम मिट जाता है और जिसमें ज्ञेय जुदा नहीं रह जाता। अद्वय माने ज्ञातृ ज्ञेय रहिताम, ज्ञातृ ज्ञेय रूप द्वैत से रहित जो स्वरूप है वही तत्व है। सच 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 हे तेषाम भाव तत्व, सच ईश्वर, सच जीव, सच प्रपंच, तेषाम तत्, तेषाम भाव तत्व, सब जिसमें जगत जीव ईश्वर सब जिसमें बिला जाते हैं, समा जाते हैं, नहीं रहते हैं, खो जाते हैं, उसका नाम तत्व। सो भक्ति से उसका दर्शन होता है। भक्ति भी ऐसे पूजा पत्री वाली बाहरी नहीं हो, ज्ञान वैराग्य युक्तया, जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं उस भक्ति से। और भक्ति भी मनमानी नहीं, श्रुतक गृहीतया, वेद शास्त्र के श्रवण से, गुरु के उपदेश से जो भक्ति मिली है। इसलिए बाबा जितना तुम धर्माचरण करते हो उसकी सिद्धि है भगवान की प्रसन्नता। इसलिए मन को एकाग्र करके जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, पूजा करो, हमेशा करो। जब भगवान का ध्यान आता है मन में तो कर्म की गांठ कट जाती है, फिर भला कथा कौन नहीं सुनेगा। तो पहली बात यह है कि पूर्ण तीर्थ में जाएं और वहां महापुरुषों की सेवा करें, तब मन में श्रवण की श्रद्धा होती है और श्रद्धा होने से सुनने की इच्छा होती है। यदि सुनने की इच्छा उत्पन्न न हो तो सेवा बांझ ही रही हो। सेवा से वैसा फल मिलेगा कैसा? जैसा धर्म से मिलता है। सेवा भी एक धर्म है, उसका फल मिल जाएगा। लेकिन श्रवण की इच्छा होगी तो तत्व ज्ञान मिलेगा। फिर कथा में जब श्रद्धा से सुनेंगे तब उसमें रस मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? महापुरुष की सेवा से। और जब कथा सुनने लगेगा तो हृदय पवित्र होगा, हृदय में आके भगवान बैठ जाएंगे। ये 12 बातें हैं। इसी के आधार पर मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है, इन्हीं 12 बातों को उसने व्याख्या है। भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं और जैसे कोई सत्पुरुष कहीं बैठता है तो वहां सफाई कर लेता है, वैसे भगवान दिल की सफाई कर लेते हैं, सारी बुराइयां मिट जाती हैं और भगवान बैठते हैं। कब तो आज बैठ गए भगवान हृदय में, अब क्या करें? बोले प्रेम करो बाबा।
एक महात्मा अपने को भगवान कहते थे, सब लोग उनको भगवान मानते थे। भगवान हमारे बचपन की बात, हम लोग बड़े कुतर्की थे, पहुंच गए उनके पास, बोले आप भगवान हैं? बोले हाँ है। आपका दर्शन हो गया, अब हमारा कोई कर्तव्य रहा कि नहीं रहा? बोले रहा। कहा वो क्या? कहा हमसे प्रेम करो। हैं? भगवान के देखने से काम थोड़ी चलेगा, भगवान से प्रेम करो। प्रेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले सेवा करो। लो दर्शन से काम नहीं चलेगा, प्रेम भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। उस समय मन में जो काम क्रोध आदि दोष हैं वो मिट जाते हैं और भगवान की भक्ति आती है। भगवान के अनासक्ति, भगवान से प्रेम होने पर दूसरी आसक्तियां मिट जाती हैं, तब भगवत तत्व ज्ञान हो जाता है, तब हृदय की जो गांठें हैं वो कट जाती हैं। ये दुनिया में गांठ पड़ी है, जैसे किसी ने किसी के साथ बांध दिया हो। दुनिया में बधे बधे बोलते हैं, पैसा हमारे साथ नहीं बंधता, हम पैसे को बांधना चाहते हैं, है ना? गांठ ही तो है वो, तो कथा पहचानते ही नहीं है कि ये हमारा मालिक है। किसी की दुकान में डाल दो, फेंक दो कौड़ी में उसको दे दो, कोई भी नोट, कोई भी रुपया, कोई भी हीरा, कोई भी चांदी, अपने मालिक को नहीं पहचानता। उनसे हमारा एकांगी प्रेम है, जैसे चकोर का चंद्रमा से, ऐसा प्रेम हम लोग धन से करते हैं। यही अपने हृदय की गांठ है, ये पैसे की गांठ नहीं है, अपने दिल की गांठ है। मन में बड़े बड़े संशय आ जाते हैं, सब मिट जाते हैं। और जो कर्म बंधन है, संस्कार है, विकार के संस्कार अलग होते हैं और मजहब के संस्कार अलग होते हैं। तो विकार के संस्कार भी मिट जाते हैं, मजहबी संस्कार भी मिट जाते हैं। अद्वैत ब्रह्म में संस्कार कहां, जहां परमात्मा का दर्शन हुआ। इसलिए बुद्धिमान लोग जो हैं वो अंतःकरण शुद्ध करने वाले भगवान की भक्ति करते हैं। एक ही परमेश्वर गुणों के भेद से हरि हर ब्रह्मा आदि नाम धारण करता है। ये सब सत्व गुण के सत्व में परमात्मा का दर्शन होता है, इसलिए महात्मा लोग सत्व गुण की प्रशंसा करते हैं। वे भूत भैरव, ये जो गड़गड़ गाला है, इनकी उपासना में कभी नहीं पड़ते हैं। हमको तो ऐसे ऐसे वेदांति मिलते हैं जो 20-20 बरस से वेदांत की चर्चा करते हैं, फिर आके कहते हैं महाराज हमारे घर में भूत लगा है, भैरव लगा है, प्रेत लगा है। व्यर्थ है ना। तो जिसकी जैसी प्रकृति रहती है वो उसी से दोस्ती करता है। ग्वालियर के महाराज के यहाँ पे ठहरे हुए, हमारे पास ऐसे लोग आते थे कि वो आके राजा और रानी को हमारे पास बैठते थे, बात करते थे। और हमारे साथी कई ऐसे थे जो जाके ड्राइवर के पास बैठे, रसोईया के पास बैठे, उन्हीं से बात करें। तो जिसका जिससे मेल होता है वो उसके साथ बैठता है। परमात्मा के साथ मेल करना दूसरी बात है, भूत भैरव के साथ मेल करना दूसरी बात है। वासुदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के लिए वेद हैं, यज्ञ हैं, योग हैं, क्रिया हैं, ज्ञान है, तपस्या है, धर्म है, गति है, उन्होंने ही ये सृष्टि बनाई है। और जैसे लकड़ी अनेक है पर उसमें आग एक है, जैसे बल्ब अनेक है पर बिजली एक है, बल्ब में आके रोशनी दे दिया और पंखे में आके हवा फेंकने लग गई, हीटर में आके गर्मी दे दिया, बिजली एक है। मशीन के भेद से क्रियाकलाप में भेद होता है और मशीन की खराबी से बिजली नुकसान भी पहुंचाती है, वो मशीन की खराबी है, बिजली की खराबी नहीं है। हमारा जब दिल खराब हो जाता है तब सब बिगड़ जाता है। इसी में परमात्मा बैठा हुआ है नारायण, और सारी सृष्टि में वही वही सब कुछ कर रहा है। चींटी में मशीन अलग है, परमात्मा वही है। मक्खी में मशीन अलग है, परमात्मा वही है। हाथी में मशीन अलग है, परमात्मा वही है। सूर्य चंद्रमा में मशीन अलग है, परमात्मा वही है।
वो उसी से वो मछली भी वही है, मत्स्य अवतार, सुअर भी वही है, घोड़ा भी वही है, ग्रीव अवतार, सिंह भी वही है, वामन भी वही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी वही है, सब सकल सूरत का परक है। इसको सन्निवेश बोलते हैं संस्कृत में। सकल सूरत के फरक से धातु में फरक नहीं होता। सोमावा जब सृष्टि होती है तब वही विराट के रूप में प्रकट होता है और नारायण देवता उसके भीतर बैठे रहते हैं और नारायण से फिर अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। सनत कुमार का अवतार, ब्राह का अवतार, नारद का अवतार, एक एक काम करते हैं, सबका वर्णन आगे विस्तार से आएगा। नर नारायण, कपिल और दत्तात्रेय और यज्ञावतार और विषभावतार, पृथ्वी अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नारायण धन्वंतरी अवतार, ये 24 अवतारों का नाम यहाँ गिना दिया है। अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, वही राम होते हैं और कृष्ण सबके मूल हैं। ये बात बताई, अन्य चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। जैसे एक सरोवर में से अनेकों झरने निकलते हैं, वैसे एक परमात्मा में से अनेकों अवतार निकलते हैं, ऋषि, मनु, देवता, मनुपुत्र, ये भगवान की लीला है। आप जो ये सृष्टि देख रहे हैं ये क्या है? एतद् रूपम भगवतो यरूपस्य चिदात्मना, चिदात्मा निराकार भगवान ही सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है। ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं ये जादू का खेल है, माया है। जिसको हिंदी में जादू का खेल बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में माया बोलते हैं। माया है, इंद्रो माया भी गुरु रूप ईयते है। जादू का खेल माने जो चीज जहां होए वहां ना मालूम पड़े, इसका नाम माया, जादू है। वहां होए लेकिन मालूम ना पड़े, और जो है ना, और जो चीज ना होए वो मालूम पड़े, तो उसका नाम होता है माया। तो परब्रह्म परमात्मा में प्रपंच है, प्रपंच नहीं है मालूम पड़ता है, ये माया है। और परमात्मा है इसी प्रपंच में लेकिन मालूम नहीं पड़ता, यही माया है। ईश्वर का मालूम न पड़ना एक माया है, और उसमें दूसरी चीज का मालूम पड़ना तो ये भी एक माया है, और ये माया से बना हो। जैसे आकाश में मेघ, जैसे वायु में धूल, वैसे दृष्टा में ये दृश्य मूर्खों ने कल्पित किया। नारायण जब परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, कब उसमें न सत है, न सत है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है। अपने आप को देखो, स्वसंविदा प्रतिषिद्ध, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो उनका निषेध हो जाता है। ये अविद्या का खेल है। जब ये हमारी बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा में लग जाती है, तब अपनी महिमा में ये आत्मा प्रतिष्ठित होता है। न परमात्मा में कर्म है, न परमात्मा में जन्म है। महात्मा लोग उसका इसलिए वर्णन करते हैं कि लोग अपने मन को परमात्मा में लगा सकें। धन्य है आप लोग कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति है। ये भागवत पुराण भगवान का चरित्र है, साक्षात वेद, लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। और इसको व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बताया और सुखदेव जी ने परीक्षित को इसको सुनाया जब वो गंगा तट पर अनशन करके बैठे हुए थे। जिनकी ज्ञान दृष्टि लुप्त हो गई है उनको ज्ञान देने, प्रकाश देने के लिए ये भागवत रूप सूर्य उदय हुआ है। सुख जी ने कहा कि मैंने भी सुखदेव जी के मुंह से ही सुना है, उनसे आज्ञा लेकर के, सो मैं यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने सुना और जैसा समझा, यथाधीतम यथामति, क्योंकि सुनते हैं तो सब ग्रहण नहीं होता, समझते हैं तो सब समझ में नहीं आता, इसलिए जैसा सुना जैसा समझा उसके हिसाब से आपको सुना। अब सौनक जी महाराज ने
प्रश्न किया हो, इतना सुनने के बाद भी यदि प्रश्न न उठे तो उसका दिल तो सोया हुआ मानना पड़ेगा। इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका हृदय सुषुप्त है, मूर्छित है। दुनिया की चीजों के लिए शक करने को तो बड़ा भारी मन है, बड़ी भारी बुद्धि है, और ईश्वर के बारे में प्रश्न उठाने की युक्ति नहीं है तुमको। बोले महाराज, किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने संहिता की रचना की, और उनके जो पुत्र थे वो तो बड़े भारी विरक्त अवधूत, इतने बड़े अवधूत कि सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे और व्यास जी पीछे पीछे उसके चल रहे। तो सुखदेव जी तो जवान, उनको देख करके देवताओं की जो स्त्रियां स्नान कर रही थीं, उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, नग्न स्नान कर रही थी नारायण। लेकिन जब व्यास जी गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी भारी उम्र, उनको देख करके उन्होंने घट संकोच से वस्त्र धारण कर लिया। क्या कारण? तो पूछा जाके व्यास जी ने कि बाबा, हमसे संकोच और हमारे बेटे से संकोच नहीं क्यों? तो उन्होंने कहा, तुमको मालूम है कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, और तुम्हारे बेटे को मालूम ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है। तवास्ति स्त्री पुंभिना न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, विविक्ता पूता दृष्टि जस्य तस्य विविक्त दृष्टे है। नारायण, कैसे पहचाना लोगों ने सुखदेव जी को? राजा परीक्षित से संवाद कहाँ हुआ? सुखदेव जी कहीं टिकते तो है नहीं, और भागवत, परम भागवत परीक्षित, उनका जन्म कैसे, ये सब सुना हो आपको। सुन, क्यों उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके गंगा तट का आश्रय क्यों लिया? ऐसी स्वराज्य लक्ष्मी का, अधिराज्य लक्ष्मी का परित्याग उन्होंने क्यों किया? देखो, जवानी थी उनकी, और लक्ष्मी का साम्राज्य छोड़ करके शरीर छोड़ने के लिए गए। उनका शरीर, महापुरुषों का जो शरीर होता है वो केवल उनके काम के लिए नहीं होता है, सबके काम के लिए होता है। महात्मा को आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है। मूर्ख लोग तो कर भी सकते हैं खुदकुशी, लेकिन साधु लोग, महात्मा लोग तो नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका जीवन, उनका शरीर केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जिस पर सबका हक है उसको वो अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? जुगई सतो कष्टमो साधु जीवंती नात्मार्थमसौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुतकलेवरम। तो हमको सब बताइए महाराज, हम समझते हैं कि आप सब जानते हैं। अब सूची वर्णन करते हैं। द्वापर युग था, अंत होने वाला था, पराशर से व्यास का जन्म हुआ। तो एक दिन बदरीनाथ, संस्कृत में ये बदरी शब्द है, बद्री बद्री नहीं है, गांव में रह नहीं जुड़ता है, बदरीनाथ ऐसा। ये देर देर होती है ना, देर, इसको संस्कृत में बोलते हैं बदरी। बदरी बन माने जहां बेर का जंगल था, और व्यास जी महाराज वो बेर ही खाए खाए के तपस्या करते थे। तो महाराज वहां माना ग्राम के पास उन्होंने सरस्वती में आचमन किया, पवित्र हुए। वहां स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की हवा से ही मनुष्य को पवित्र हो जाता है। अच्छा, एकांत में बैठे, इधर सूर्योदय हुआ, देखने लगे तो दुनिया में तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, संसार की सभी वस्तुओं की शक्ति कम हो रही है, मनुष्य में श्रद्धा घट रही है। श्रद्धा करना हो बड़ा कठिन है, आसान नहीं दिखाए जब जिस पर श्रद्धा हो। जहां अपने मन के खिलाफ हो कोई काम करेगा वहां श्रद्धा डामाडोल हो जाएगी। तो उसमें तो बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा सत्व चाहिए। श्रद्धा में आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा कमजोर की वस्तु नहीं है, भगवान की वस्तु है। देखा, लोगों की श्रद्धा घट रही है, धैर्य नहीं है,
सिखाने पढ़ाने पर भी ग्रहण नहीं कर सकते, देखा कम हो गई, आयु थोड़ी हो गई, अब आगे लोग दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, सोचा आप लोगों का हित कैसे होगा। फिर उन्होंने बड़े बड़े उपाय किए।